हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम लोग देख पा रहे हैं कि संपूर्ण देश एक ऐसे विकट संकट से गुजर रहा है, तो इस विकट संकट में एक हम लोग के तरफ से छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को कुछ लाभ मिल जाए। तो इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक छोटे से टॉपिक को लेके, जिसका नाम है नेचर ऑफ लैंग्वेज। ये नेचर ऑफ लैंग्वेज जो पेपर के अंतर्गत आता है, वो पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम से। तो आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे कि भाषा की प्रकृति क्या है, यानी एक बच्चे में भाषा का विकास कैसे संभव हो सकता है। तो भाषा की प्रकृति के संदर्भ में तीन प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, तीन प्रक्रियाएं जो जिसमें से पहला है वो है ओरल एक्सप्रेशन, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति। दूसरा जो प्रक्रिया का नाम है वो है रिटन एक्सप्रेशन, यानी कि लिखित अभिव्यक्ति। और तीसरा जो पड़ाव आता है वो है क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन, यानी कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति। तो इन तीनों ही प्रक्रियाओं के साथ किसी भी बच्चे में भाषा का विकास संभव हो पाता है। तो आइए आगे हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो भाषा की प्रकृति के अंतर्गत ये जो तीन प्रक्रियाएं हैं, वो किस तरह से एक बच्चे में भाषा का विकास इस प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। तो सबसे पहला है ओरल एक्सप्रेशन, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत इसके जो सहायक तत्व हैं, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास एक बच्चे में कैसे संभव हो पाता है। तो इसके सहायक तत्वों के अंतर्गत हम लोग जान सकते हैं, जिसमें से पहला है भाषण। भाषण के अंतर्गत हम लोग किसी भी बच्चे का मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसके सहायक तत्व के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, तो वो है अंताक्षरी प्रतियोगिता, यानी कि एंटेरियल कंपटीशन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है वाद विवाद, यानी कि डिबेट कंपटीशन, व्याख्यान, डिस्कशन, या फिर इसके बाद जो आता है वो है कथन, यानी कि नरेशन, विचार गोष्ठी, कवि सम्मेलन, एग्जाइबिशन। ये जितने भी तत्व हैं, ये जो सहायक तत्व हैं, इनके द्वारा हम ओरल एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं किसी बच्चे में विकसित कर सकते हैं। दूसरा जो पड़ाव जो प्रक्रिया आता है वो है रिटन एक्सप्रेशन का, यानी कि एक बच्चे में हम लोग लिखित जो अभिव्यक्ति है उसको कैसे विकसित कर सकते हैं। तो इसके भी सहायक तत्व हैं। सबसे पहला है निबंध प्रतियोगिता, यानी कि ऐसे कंपटीशन। दूसरा है कहानी लेखन प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता, श्रुति लेख सुलेख प्रतियोगिता, यानी कि जिसको बोलते हैं कैलीग्राफी कंपटीशन। तो ऐसे अनेक एलिमेंट्स हैं जिसके सहायता से किसी भी बच्चे में हम लिखित जो अभिव्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं विकसित कर सकते हैं। तो ये जो दोनों ही एक्सप्रेशन, यानी कि ओरल और दूसरा रिटेन, किसी भी बच्चे में हम लोग विकसित करने में सहायक हो सकते हैं, बशर्ते कि इनके सहायक तत्वों का हम लोग उपयोग करें। तीसरा जो पड़ाव आता है वो है क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन का, यानी कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति का। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति एक बच्चे में कैसे आ सकता है, यानी भाषा के संदर्भ में हम लोग यही जान सकते हैं कि जब तक किसी भी बच्चे में ओरल और रिटेन एक्सप्रेशन जब तक किसी बच्चे में विकसित ना हो, तब तक किसी भी बच्चे में हम लोग क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन की कामना या इच्छा नहीं रख सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी बच्चे में क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन को डेवलप करने की बात अगर हम लोग बोल सकते हैं, तो सबसे पहले उस बच्चे में ओरल और रिटेन एक्सप्रेशन को विकसित करना होगा, तभी हम लोग किसी भी बच्चे में ये बोल पाएंगे कि बच्चा भाषण में अपने आप को पारंगत रखता है या फिर निबंध में अपने आप को पारंगत रखता है। तो अगर दोनों ही क्षेत्र में अगर एक बच्चे को हम लोग विकसित कर सकते हैं और वो सृजनात्मकता के तौर पर अपने आप को विकसित कर सकता है, तो सबसे पहले ओरल को विकसित करना होगा, ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करना होगा, और दूसरी ओर रिटन एक्सप्रेशन को विकसित करना होगा, तभी हम लोग क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन की कामना कर सकते हैं और बच्चों में इन तीनों ही एक्सप्रेशन का भाव को किसी भी बच्चे में हम लोग इन तीनों ही एक्सप्रेशन के भाव को विकसित कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग किसी
किसी एक की कमी से क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन के भाव को विकसित किसी भी बच्चे में नहीं कर पाएंगे। तो ये भाषा की प्रकृति के संदर्भ में ये जो तीन प्रक्रियाएं हैं, इन तीन प्रक्रियाओं के साथ ही किसी भी बच्चे में भाषा का विकास संभव हो पाता है। और ये तीनों ही प्रक्रियाएं भाषा की प्रकृति कहलाते हैं। और इन्हीं प्रकृति के साथ एक बच्चे में भाषा का विकास संभव होता है। और कोई भी बालक अपनी भाषा की स्पष्टता को विकसित कर पाता है। तो आज इस छोटे से वीडियो में हमने आप लोगों के समक्ष भाषा की प्रकृति के संदर्भ में बात किया, और इसके संदर्भ में हमने तीन प्रक्रिया आप लोगों के समक्ष रखा। और तीनों ही प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए इसके जो सहायक तत्व हैं वो उनको भी जाना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास था। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।